हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे सुबह की भाग दौड़ के लिए एकदम हेल्दी कम तेल वाला नाश्ता। अगर आपके पास चावल भिगोए हुए हैं तो आप ये इसे 15 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले से मैंने इसे रात को ही एक कप चावल को लेके धो के भिगो दिया था। अगर आपको शाम को बनाना है तो इसे दोपहर में भिगो दीजिए। चावल भीग गए हैं, अभी हम चावल में से पानी निकाल के उसे मिक्सर जार में डाल देंगे और हम इसे पीसेंगे। तो हम एकदम बारीक और एकदम बिल्कुल चावल के दाने ना रहे ऐसे स्मूथ हमें पीसना है। मैं एक चौथाई कप से थोड़ा ऊपर पानी डालूँगी और इसे हम स्मूथ पीस लेंगे। तो बैटर को मैंने अभी पीस लिया है, हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो एकदम बारीक है। और अभी हम इसमें एक आलू ले लेंगे। तो मैंने बड़ा आलू लिया है। आलू को उबाल के छिलके निकाल के हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो हमें इसे कद्दूकस करके ही डालना है। तो आलू को कद्दूकस कर लिया है। अभी हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए धनिया, आधा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, एक प्याज छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, एक टीस्पून से थोड़ा ऊपर नमक, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक टीस्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और आधा गाजर कद्दूकस करके हम डाल देंगे। सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स करेंगे और बाद में हमें जितनी ज़रूरत पड़े उतना पानी डाल के हम थोड़ा गाढ़ा ही इसका घोल बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मुझे कितने पानी की ज़रूरत पड़ी है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अभी मैं आधा कप जितना पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो आधा कप जितना ही पानी मैंने यूज़ करके घोल बना लिया है। अभी हम इसमें आधा टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट, बेकिंग सोडा आप मत डालें नहीं तो उसका टेस्ट बराबर नहीं आता है, इसलिए आधा टीस्पून मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट एक चम्मच जितना पानी डाल के बैटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम एक नॉनस्टिक पैन गरम करेंगे। आप देख सकते हो हमारा बैटर कैसा है। हम पैन में थोड़ा सा ऐसे घोल डालेंगे तो गाढ़ा है, आप देख सकते हो। और गोल पैन है तो उसमें गोल हम ऐसा छोटा चीला की तरह इसे फैलाएंगे। आधा टीस्पून जितना घी डालेंगे, आप तेल या बटर भी डाल सकते हो। और इसे ढककर 1 मिनट के लिए होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बढ़िया सा कलर आ गया है। दूसरी साइड भी ढककर 1 मिनट के लिए होने देंगे और बाद में हम दोनों साइड क्रिस्पी हल्का हो जाए इसलिए हल्का कुछ सेकेंडों के लिए इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। तो अब ये अच्छे से दोनों साइड से सिक के रेडी हो गया है। अभी हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो आप देख सकते हो बढ़िया सा हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे दूसरे चावल के चीले या चावल का पैनकेक्स नया बना लेंगे। तो आप देख सकते हो तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म टमाटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व करें। बच्चों से लेके बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इस तरीके से घर पे ये चावल का नया नाश्ता सुबह या शाम के लिए झटपट बनाकर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस करें। कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।